हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस मॉमी। आज के इस वीडियो में मैं अपने छोटे से बेबी का छोटा छोटा गिफ्ट दिखाने वाली हूँ, जो कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड फैमिलीज़, दूसरी फैमिलीज़ ने गिफ्ट किया है। तो एक्चुअली मुझे ये सब देखना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है, छोटा छोटा होता है बहुत ही क्यूट लगता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि अगर आपको भी ये सब छोटा बेबी का सामान देखने में अच्छा लगता है तो आप भी देख सकते हो। तो हाँ, सबसे पहले शुरू करते हैं। एंड ये मतलब कोई ड्रेस एंड टॉयज़ वगैरह नहीं है, ये सिर्फ सिल्वर एंड ब्रॉन्ज एंड गोल्ड ये सब का ही है जो मिला है। हम लोगों ने कुछ नहीं ख़रीदा, एक चीज़ है जो हम लोगों ने ख़रीदा है खुद से, और वो मैं लास्ट में बताऊंगी आप लोगों को। तो शुरू करते हैं विथ ऑल द गिफ्ट्स दैट आई हैव। ओके, तो सबसे पहले है ये है चांदी का सिक्का। हर अच्छे चीज़ की शुरुआत चांदी के सिक्के से होती है, राइट? तो ये है चांदी का सिक्का, सबसे पहला गिफ्ट। दूसरा है ये इसको नज़रिया बोलते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। ये हाथ पैर में पहनाया जाता है बुरे नज़र से बचाने के लिए। तो ये एक्चुअली मोती का है, ये पर्पस ये था कि मोती वाला काफ़ी सॉफ्ट रहेगा, बच्चे को हर्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो ये मोती का है और ये काफ़ी क्यूट सा है, आप देख सकते हो। काफ़ी क्यूट है, हम लोगों ने इसे एक दिन के लिए पहनाया एंड फिर लगा कि बाद में पहनाएंगे, अभी तो बहुत ही छोटा है। तो यस, ये है नज़रिया। एंड इसके बाद है ये है बच्चे को हाथ में पहनाने वाला, ये भी काफ़ी अच्छा है, बट ये काफ़ी हैवी है, बहुत हैवी है ये। और इसके डिज़ाइंस देखिए आप, ये भी काफ़ी क्यूट है, बट इसमें ये है ना, ये जो है ये लॉक वाला, ये जॉइंट है, ये अगर ऐसे खुला होता ना करा टाइप का तो ये और भी अच्छा रहता, मतलब तब तो इसको एडजस्ट किया जा सकता था एज़ पर द साइज़, बट ये लॉक्ड है, ये एज अ बैंगल है, ये बैंगल है, बट फिर भी ये भी क्यूट है ना। तो यस, ये था तीसरा गिफ्ट, बैंगल। ये हम लोगों ने एक बार पैर में पहना दिया था, बट ये तो बैंगल है तो हाथ में ही अच्छा लगेगा, पैर में अच्छा नहीं लग रहा था, बट जस्ट फॉर फन एक्सपेरिमेंट। ओके, सो नेक्स्ट गिफ्ट गाइस, इसको बाद में दिखाएंगे, इसको खोलते हैं, इसमें क्या है। ओके, ये है डब्बा, और डब्बा के अंदर से निकलता है ये, इसको भी नज़रिया बोलते हैं। ये एक्चुअली सिल्वर का है, पहले वाला जो मैंने दिखाया वो मोती का था और ये सिल्वर का है, ये देख सकते हो आप। पता है, अच्छी बात ये है ना कि जो ज्वेलरी डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो ये सब बहुत ही अच्छे से बनाते हैं, मतलब ये लोग ध्यान में रखते हैं कि छोटे बच्चे के लिए है और ये बिल्कुल भी मतलब हर्ट नहीं होना चाहिए बच्चे को, तो इस चीज़ का ध्यान रख के बनाते हैं। अभी तक मेरे पास एटलीस्ट जो भी इस तरीके का सामान आया है उसमें एक चीज़ कॉमन था कि मतलब सभी बच्चे को पहनाने के लिए बिल्कुल ही सेफ था। और इसका लॉक्स वगैरह भी देख सकते हो आप, जो लॉक्स है ना ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, कहीं से कुछ भी हर्ट नहीं होगा बच्चे को। ये हम लोगों ने भी एक दिन के लिए ही पहनाया था। एक्चुअली ना ये सब पहनाना प्रेफर नहीं करते हम, क्योंकि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि मतलब चाहे जितना भी सॉफ्ट हो, चाहे जितना भी लाइट वेट हो, बट आई थिंक कुछ भी अगर बच्चे को एडिशनली हम पहना देते हैं तो शायद वो बेबी के लिए अनकम्फर्टेबल हो, एंड बेबी तो नहीं बता पाएंगे कि कंफर्टेबल है या नहीं है। तो इसलिए ये सब पहनाना मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ, इससे बेटर है कि मतलब मैं जो करती हूँ वो है कि ब्लैक कॉटन थ्रेड, वो उसका धागा हाथ पैर में बांध कर रखती हूँ। बट ये सब अच्छा है, मतलब इट्स गुड फॉर एज अ मेमोरीज, दीज आर गुड एंड काफ़ी क्यूट भी लगते हैं ये सब देखने में। तो ये था चांदी का नज़रिया गाइज, चांदी का नज़रिया, यस। इसके बाद हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, ये
ये देखिए, ये है कमर में पहनाने वाला, इसको डारहा बोलते हैं। इसको कमर में पहनाया जाता है, ये नहीं पहनाया है हमने। काफ़ी क्यूट सा है, इसमें ये घुंघरू भी लगा हुआ है और एक ये है लगा हुआ, और इसको बच्चे के कमर में पहनाया जाता है। अभी तक तो हम लोगों ने नहीं पहनाया है, बट ये भी है हमारे पास। इसके बाद निकलता है ये है गोल्ड का, गोल्ड एंड लाल धागा में। ये है बजरंगबली, पेंडेंट है बजरंगबली का ये। आई थिंक ये पेंडेंट बहुत कॉमन चीज़ है और ये सब बच्चे के पास होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एज अ गिफ्ट ही मिलता है, दूसरों से ही मिलता है। तो ये हमें भी एज अ गिफ्ट मिला दूसरों से, और ये भी काफ़ी क्यूट है बजरंगबली। ये भी हम लोगों ने एक दिन के लिए पहनाया। कुछ भी गिफ्ट मिलता है तो पहनाना चाहिए ना, तो हम पहना लेते हैं, बट फिर बेबी अनकंफर्टेबल फील होता है ना बेबी को, तो फिर तुरंत हटा भी लेते हैं। ओके, तो ये था छोटा छोटा सा गिफ्ट, अब है थोड़ा सा बड़ा सा गिफ्ट। सो बेसिकली ये आप लोग देख सकते हैं, ये अभी मैं मतलब थोड़ा डस्ट लग गया था तो मैं धोकर ही लाई हूँ। ये है जर्मन जर्मन सिल्वर बोलते हैं इसको। तो ये है प्लेट, ये है कटोरी, और ये है क्यूट सा चम्मच। दिस इज़ जर्मन सिल्वर। या तो ये है बेबी का पूरा थाली, जिसमें वो अभी नहीं पर बाद में खाएगा शायद। एंड इसके बाद है ये काफ़ी हैवी है, ये आप देख सकते हो। ये पूरा सेट है पितल का ना, ब्रॉन्ज बोलते हैं, ये पितल का सेट है पूरा। ये भी काफ़ी अच्छा सा है, काफ़ी क्यूट है। ये है चम्मच, ये है कटोरी, बहुत हैवी है कटोरी, ये है ग्लास, ये है लोटा, लोटा पानी पीने वाला, और ये है थाली। तो ये है पूरा सेट, इसमें हर चीज़ है। तो आई थिंक ये काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा ना इसमें, अगर खाना खाया जाए इस पूरे सेट में, तो आई थिंक खाने का जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूटेंसिल्स। लाइक काफ़ी विंटेज लुक आ रहा है इसका। आई थिंक इसमें खाना भी बहुत हेल्दी होता है ना, तांबा का पानी पीना तो बहुत सही होता है, खाना खाना भी अच्छा होता है, तो अच्छा है। मतलब बहुत ही बढ़िया सा है ये, देख सकते हो आप। और अब लास्ट चीज़ है, जो मतलब मैं पहले भी बताई कि एक चीज़ है जो हम लोगों ने खुद से खरीदा था, और वो है ये है चांदी का कटोरी, और ये है चांदी का चम्मच। तो ये एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग जब ये परचेज करने गए तो माइंड में ये था कि चांदी का ही तो कटोरी चम्मच लेना है, तो ऐसा था कि 2-2.5 हज़ार में आ जाएगा। तो हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि 2-2.5 हज़ार में आ जाएगा कटोरी और चम्मच, बट हम जब शॉप में गए तो इसका रेट सुन के मतलब वी वर शॉक्ड। मतलब ये जिस चांदी का कटोरी और चम्मच, इसका रेट है 11,600, मतलब 12,000 का है ये। मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, बिकॉज़ आई नेवर न्यू कि चांदी इतना महंगा हो गया। मतलब 12,000 में तो गोल्ड मिल जाए, और ये जिस सिल्वर का कटोरी चम्मच, उसका कॉस्ट 12,000। माई गॉड, मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, तो झटका था ये। बट द गुड थिंग इज़ ये काफ़ी बड़ा सा है, एंड दिस इज़ 99 ग्राम्स। ये दिस कटोरी इज़ 99 ग्राम, दिस इज़ 6 ग्राम, एंड द होल कॉस्ट इज़ 11,600 टू बी मोर प्रिसाइज। तो ये था हमारा शॉपिंग सिल्वर का बेसिकली। बट यार ये सब पता नहीं क्या हो गया है, सब इतना क्यों महंगा हो गया है। मतलब सिल्वर इतना महंगा है तो गोल्ड डायमंड तो मतलब छोड़ ही दीजिए। तो यस, यही था छोटा मोटा सा प्यारा सा गिफ्ट मेरी बेबी का। आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द क्यूरियस मॉमी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।